ब्रेक के बाद दो कदम में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक और पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला से सनसनी फैल गई है। अल्फाज के दोस्त और यहां बता दें कि बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह ने अल्फाज पर हमला करने वाले हमलावर को धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अल्फाज अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक बार फिर एक और पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला हुआ है। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर हुए हमले के बाद बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह ने भी हमलावर को धमकी दी है। सोशल मीडिया के जरिए हनी सिंह ने कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गायक अंजोत सिंह पन्नू उर्फ अल्फाज पर हमले की सूचना खुद हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए दी थी। अल्फाज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि अल्फाज ने हनी सिंह के एल्बम हाय मेरा दिल में सिंगिंग डेब्यू किया था। उन्होंने बॉलीवुड में बर्थडे बैश गाना भी गाया था। अल्फाज साल 2013 में फिल्म जट्टा एयरवेज पर भी दिखे थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में गाने लिखने शुरू कर दिए थे। बताया जा रहा है कि मोहाली के एक ढाबे में मामूली झगड़े के बाद अल्फाज पर यह हमला हुआ है। अल्फाज एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, वो बनूर मार्ग पर किसी काम से अपनी गाड़ी से उतरे थे। अचानक एक तेज रफ्तार ऑटो या फिर कहें पिकअप टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दौरान पंजाबी सिंगर अल्फाज के कुछ दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस ने सोहना में FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब तक विक्की नाम के एक आरोपी का नाम सामने आया है। फिलहाल मोहाली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनके रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार अपने अपने तरीके से अल्फाज के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सदमे से आज भी उनके फैन नहीं उबरे हैं। ऐसे में अल्फाज पर हुआ हमला उनके चाहने वालों को चिंतित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दो वीडियो दिखाते हैं कैसे खुशियों का मौका मातम में बदल गया। गुजरात में एक शख्स गरबा डांस कर रहा था तभी उसे हार्ट अटैक आया। वहीं यूपी में रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने वाले एक व्यक्ति की स्टेज पर ही मौत हो गई। देखिए चालीस सेकंड के इस वीडियो में इस युवक को नहीं पता कि इसकी खुशी पल भर की है। इसके बाद इसकी सांसें थमने वाली हैं। जी हां, डांस करते हुए ये युवक पहले जमीन पर गिरता है और इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। ये गरबा के दौरान मौत का लाइव वीडियो है। यह घटना आनंद के तारापुर की है, जब यहाँ की शिव शक्ति सोसाइटी में गरबा के कार्यक्रम के दौरान ये युवक डांस कर रहा था, लेकिन ये अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। इस युवक को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है। एक दूसरी घटना में, यहाँ नवरात्रि में माता का जगराता चल रहा है। पंडाल में देवी की पूजा अर्चना हो रही है, तो वहीं मंच पर हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स को भी नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में कुछ ही देर का मेहमान है।